तो यार अभी जो है ना एक बहुत बड़ा मसला हो गया। तो यार बहुत तेज हवा चल रही है और तूफान आ रहा पूरा। मैं आप लोगों को ये देखें यहाँ से दिखाऊंगा, मट्टी उड़ रही है और एक नुकसान हो गया यार। एक पूरी की पूरी शीट जो है ना हमारी डब्स की एवरी की उखड़ चुकी है भाई। ये देखें पूरी जाली जो है, पता नहीं यार जाली की। ये देखें और वो देखें छत का हाल देखें भाई क्या हो गया। हाँ जी भाई अब क्या करना है। ओए ओए यार बड़ी दोस्तों हैवी जो है ना तूफान अचानक से आया। ओए ओए और सारी की सारी देखें यार शीट ही तो उखड़ गई है भाई। बिल्कुल सही थी ये तो फटी ही नहीं थी और आगे वाली तो खराब थी चले मानते हैं, लेकिन ये वाली तो बिल्कुल सही सलामत थी। इतनी तेज हवा चली कि यही फट के जो है ना नीचे आके गिर गई। ये देखें भाई और मौसम की सूरत हाल आप लोग चेक करें। ये देखें भाई पूरा तूफान आ रहा है, इतना हैवी किस्म का। देखें बिजली चमक रही है। ये कर रहे हैं कि यार कोई मसला ज्यादा ना बढ़ जाए। अरे ओए ओए ये उधर से गिरा। ओए 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 भाई साहब इसके इतनी तेज हवा चल रही है भाई, फाख्ते नीचे गिर गई है। ये देखें तोते मैंने यहाँ पे छोड़े हुए थे। अभी यार ये हो क्या रहा यार भाई, मुझे टेंशन पड़ गई। अब दोस्तों क्या करें। इतनी तेज हवा चल रही है। ओए 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 अभी मैं कह रहा परिंदा ना निकाल दे यहाँ से। नहीं यार जितनी तेज हवा चल रही है यार कोई मसला ना हो जाए। मैं कह रहा हूँ वो देखें भाई इस तरह का तूफान तो भाई पहली दफा आया कि छत ही फट गई है पूरी की पूरी। हिल रहे तो ये तो वैसे ही लचकदार हुआ हो यार। मुझे टेंशन बढ़ रही है यार कोई मसला ना हो जाए यार। ये ना हो दोस्तों ना कहीं पूरी छत ही उखड़ जाए और सारे परिंदे बाहर हो जाए भाई। ये देखें सारी की सारी शीट फट गई है। ये देखें भाई यहाँ से देखें हम लोग यार ये तो जाली मुझे लग रहा है ये देखो यहाँ से उखड़ गई है। वो तो चेक करें भाई और पैंथर मारना। देखे मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया। ये बैठा हुआ था भाई पिंजरे के ऊपर जो पीछे वाला वहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन मैंने इसको बंद कर दिया। हल्की हल्की बारिश भी आना शुरू हो रही है, पिंजरे चमक रही है बड़ी। ओए 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 मटकियों में एक में मटकी में अंडे हैं और उसमें बच्चे हैं। ऊपर से सारा बारिश आएगी अंडे तो खराब हो गए होंगे मुझे लग रहा है। फीवर गर्मी से बैठ भी नहीं रही मुझे लग रहा है। भाई गर्मी वैसे इतनी तेज पड़ी थी, जब ठंड हुई है तो आप लोग देखें कैसी जबरदस्त हुई है भाई। पूरी शीट ही पड़ गई है। क्या करना है भाईजान अब। मैं तो कह रहा हूँ निकाल लेते हैं अभी रात में कोई मसला ना हो जाए और हम सो रहे हो नीचे और हमें पता भी ना हो। तो मैं कह रहा हूँ फिलहाल निकाल के आप इस वाली एवरी में ना छोड़ दें सारे डब्स को। उधर भी कौन सा सेफ है, वो भी खतरा ही है। उसमें भी यार खतरा है, वो भी यार हमें उधर के भी परिंदे निकालने पड़ेंगे क्योंकि उसकी छत भी सारी फटी हुई है। सारी फटी मैं ऊपर जाऊँ जाऊं पर क्योंकि हवा का प्रेशर पड़ रहा है ना, ये ना हो कि जाली उखड़ के पूरी छत ही बाहर निकल रहा है तो ये भी हमें एक टेंशन है। बोल रही है वैसे उड़ेगी नहीं क्योंकि हवा तो क्रॉस हो रही है, लेकिन बारिश का भी तो खतरा है ना। बारिश का मसला है, बारिश आ गई तो चेक करें भाई चारों तरफ क्या माहौल बना हुआ है। ओए 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 यार ये क्या हो रहा है भाई भाई तूफान आ गया भाई बहुत बड़ा। ये देखे सारी आप कैमरा पकड़ो मैं जाता हूँ ऊपर जाके ईटे सीटें उतारता हूँ। हाँ तो यार मैं ऊपर जाता हूँ और जाके जितनी भी ईटे सीटें हैं वो सारी उतारते हैं। अभी पकड़ो कैमरा दुआ करना मैं पीछे ना खींचूं भाई।
गिर जाना कंटेंट मिल जाएगा। ध्यान से भाई, ध्यान से, पीछे हवा का प्रेशर है। चलो चलो जल्दी करो यार, जो ईंटें पड़ी हुई है ना इधर वो सारी ईंटें उठा लो, ये जाली ना तोड़ दे, जाली के ऊपर गिर गई और देखो पड़ी हुई है। ये ध्यान रखना कि ये जाली वगैरह ये चेक करो, जाली चेक करो। दोस्तों बहुत तेज तूफान आ रहा है, उसका मुकाबला करते हैं। फटी जाली तो नहीं किसी की फटी हुई यार, मैं वही चेक कर लो जरा, हर तरफ चारों कोने चेक कर लो सीधा। कवर हुई भी है, हवा नहीं निकल रही वहां से। फोकस दबाव बड़ा तेज है भाई, यार बस नीचे आ जाओ, ज्यादा देर ना खड़ो, नीचे आ जाओ ज्यादा देर ना खड़ो, चेक कर लो जाली वगैरह तो नहीं फटी हुई, वो चेक करके आ जाओ। ऐसे नजर आ तो रहा है, ये देखे भाई क्या हालत हुई है छत की। ये एक मिनट, अरे फोकस नहीं हो रहा। ये देखे भाई पूरा का पूरा सेटअप ही खत्म, मतलब यार सारा का सारा बर्बाद हो गया, पूरी छतें फड़ गई है। और ये वाला भी देखे आते तो रिंग नेट्स भी नजर आ रही है, और वो तो उसका तो हाल देखो अभी क्या हो गया यार। ये लो आ जाओ, आज आ जाओ, तो फाइनल नीचे आ गए। लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा, इस तरह रात को इनको छोड़ नहीं सकते, ये ना तूफान आ जाए और सारे पहले कीड़े होकर बीमार हो जाए। देखो भाई यार क्या हाल हो गया, पता नहीं यार रखेंगे कहाँ, ये तो मसला। वहाँ वो कौन सा सेफ है यार, तीनों एवरेज वहाँ हमारी सेफ नहीं है। यहाँ देखें इसकी भी छत ऊपर से निकाली थी, वो भी मसला एक का नहीं है, मसला सारों का ही है। नहीं खैर जाली तो पक्की है ना, वो तो नहीं है टूटी हुई, अगर तो जाली पक्की है ना तो फिर नहीं कुछ, बस ये है कि बारिश से बचाना पड़ेगा।
वो भी हट जाएगी, फायदा नहीं है। चले सुबह मिलते हैं, करते हैं इसका जो करना है। तो यार इस तरह का तूफान जो है ना वो दूसरी दफा ही आया है, तो यार दूसरी दफा ही हुआ, सेटअप भी बना था ना, लेकिन वो पहले पानी से भर गया। हां यार समझ में आया, फिर देखते क्या होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और यार बस अल्लाह का शुक्र है कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है, और बस हुआ कुछ यूँ था कि रात को सुनो आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा तूफान आ गया था, गैस भाई तो था नहीं, गैस पता नहीं नीचे बैठा हुआ था डर से कि भाई बिजली ना आ जाए, नीचे थे ना ऊपर नहीं ना डर से क्योंकि बिजली कड़क रही थी भाई और इतनी तेज़ हवा थी कि भाई हमारा हवा के प्रेशर से हम जो था ना हिल रहे इधर उधर हो रहे थे, तो सारी की सारी सीट आप लोगों को पता है यार उतर चुकी थी। तो फिर सुबह सुबह मैंने क्या किया भाई कि सीट हमने फिर से लगा दिया माशाल्लाह, और इस दफ़ा हमने पक्की करके, पहले भी वैसे पक्की करके लगी थी लेकिन वो थोड़ी रिटायर हो गई थी, धूप से सड़ गई थी सारी की सारी, इसलिए वो गिर गई थी। तो ये जो है ना भाई हमने आप लोग देखें कीलो से ना अच्छी तरह इसको ठोक ठोक के जो है ना सही कर दिया, और माशाल्लाह से परिंदे भी बिल्कुल सेट हैं, और हमें जो था ना रात को एमरजेंसी सारे के सारे परिंदे यहाँ से निकाल के इस वाली एवरी में छोड़ने पड़े थे, सारे बजेज मैंने यहाँ पर छोड़ दिए थे, ये वाले नहीं, यहाँ पे एक पेयर था आप लोगों को पता है जिसने अंडे दिए हुए थे, एक बच्चे थे तो बच्चे वाली तो यहाँ पे है और उसके अंडे ख़राब हो गए थे पानी में, इसलिए मैंने उसको पेयर को यहाँ पे छोड़ दिया। तो बाकी डब्स को मैंने सारे के सारे नेस्ट के फिर से लगाए और इनका दाना वगैरह दोबारा से रखे क्योंकि सब कुछ गीला हो गया था, और डिंगनेक डब्स जो थी हमारी इन सबको मैंने निकाल के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पूरी छत भाई गैस आप लोग देखना यार पूरी की पूरी छत उतर गई थी भाई। हाँ जी भाई, भाई बहुत ज़्यादा तूफान आया था, और वो देखें भाई माई डब्स माशाल्लाह अंडे देने वाली है, तो आप लोग देखें ये भी अंडे दे देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मुझे डर था कि छत ही ना उतर जाए, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा सिस्टम ठीक हो चुका है। तो बस ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, पसंद आई होगी यार आप लोग तो इन्जॉय किया भाई तूफान को, तो बस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और हाँ यार हमारे 23 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं माशाल्लाह से, तो जल्दी कंप्लीट कर दें, और फिर हम एक अच्छी सी जो है ना फिर जो आप लोग कह के थक गए हो यार के किसान तो ये ले आओ, फिर इंशाल्लाह वो लेके आएंगे। क्या है भला वो क्या है वो बता दूंगा मैं, बाय बैंड वाला डायलॉग बोल दो अपना, जल्दी लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना, और आप हमें सपोर्ट करना।